द्वारकानाथ जी भोईर जी, जिला प्रमुख उद्धव ठाकरेगढ़ और संदीप शर्मा, इन तीनों मेहमानों का यहाँ पे कुछ ही समय बाद आगमन होगा। तो मेरी गुजारिश है गोटोली 11 गोटोली टीम के खिलाड़ियों से कि जल्दी से जल्दी मैदान के बीच में जाइए, प्लीज वक्त जाया मत करिए। क्या टीम बनाई है गोटोली 11 गोटोली की, नीलेश पाटिल जी को इसका सारा श्रेय जाता है। छोटे छोटे अपने गांव के खिलाड़ी इकट्ठा करके इस सीनियर खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन टीम बनाई है। आज ये टीम बिल्कुल तहलका मचा रही है अखंड महाराष्ट्र में, और देखा जाए तो स्वराज मात्रे अखंड हिंदुस्तान में नाम कमाता हुआ ये स्वराज प्रहलाद मात्रे, क्या जबरदस्त क्रिकेट का खेल खेला है इस युवा खिलाड़ी ने। बिल्कुल चारों तरफ इस खिलाड़ी ने अपना डंका बजाया है क्रिकेट की दुनिया में। वही अब मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके साथ में है रोहित मात्रे, देखते हैं कौन स्ट्राइक में यहाँ पे पहुँचता है। और तन्वी साई 11 कोपर खेलने की जो ये टीम है इसके संगम आलक है योगेश रानकर सर। योगेश रानकर सर अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया करके आप मंच के ऊपर आइए सर, आपको गुजारिश है। दोनों भी टीम काफी दिग्गज है और स्टार कास्ट में कोई भी कमी नहीं है, दोनों टीम को अगर देखा जाए नापा जाए तोला जाए। मेरे साथ बाबू शाद है, यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे, उसी तरह से विशाल बैकर जो कि जू गांव के ये बराठी के उभरते हुए ये क्रिकेट कमेंटेटर है। हम लोग बारी बारी अब तक इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण विवरण यहाँ पे सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो भालचंद्र स्मृति चषक 2024 जूगांव, जिसके आयोजक है यतीन भोईर और वैभव भोईर। ये दोनों बंधु अपने आदरणीय पिताश्री के गौरव में ये क्रिकेट प्रतियोगिता इन दोनों बंधुओं की तरफ से यहाँ पे खिलाई जा रही है। आज वे इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में एक क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है। और प्रति वर्ष इसी तरीके की प्रतियोगिता वैभव भोईर यतीन भोईर जी की तरफ से खिलाई जाती है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। कवलजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे पिछले कुछ मुकाबले में, लेकिन पंजाब से उन्होंने रुख किया है, सीधे कोपर खेलने के हवाई अड्डे पे वे उतरे हैं अपना पूरा सामान लगेज लेके। वही कवलजीत सिंह दिखाई दे रहे और स्ट्राइक में जा रहे खिलाड़ी जिनका नाम है स्वराज प्रहलाद मात्रे। विकेट कीपर विकेटों से दूर खड़े, एक फ्लाई स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, जहां पे कवलजीत सिंह रंधवा खड़े हैं। एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट, और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और देखिए क्या खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है गेंद को, मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया। स्वराज प्रहलाद भात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका, यही पहचान है इस खिलाड़ी की। लगातार पिछले 3 वर्षों से क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है स्वराज प्रहलाद भात्रे ने। बिग बैश अंडर 22 का मुकाबला इन्हीं के अगुवाई में इनके टीम ने जीता था, लाजवाब प्रदर्शन किया था स्वराज प्रहलाद भात्रे जी ने। इस बार ये तेज गति की गेंद थी रितेश की और बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे गेंद को, गेंद को ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, गेंद लुढ़क कर चले गई बाएं तरफ जहां पे अजिंक्य पाटिल विकेट के पीछे विकेट विंग का मुजाहरा कर रहे। रितेश गेंदबाजी कर रहे, कोई कम आंकने वाले ये खिलाड़ी नहीं है रितेश। आदरणीय प्रहलाद जी भोईर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, एक बहुत ही उमदा ये सूत्र संचालक है, आपका स्वागत है प्रहलाद भोईर जी। इस बार गेंद को खेला था कवर रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक है सुशांत ने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना। देखिए क्षेत्ररक्षक, देखिए एक कवर पॉइंट रखा हुआ है, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, और कवलजीत सिंह खड़े मिड ऑफ रीजन में। यह चले गेंदबाज रितेश, गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में चौथी मरतबा, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट स्वप्निल स्वराज मात्रे के लिए, और इस बार स्वराज मात्रे ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। दीपक जी सकपाल सर इनका यहां पे आगमन हो रहा है, मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।
बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए यहां पे नजर आ रहे स्वराज मात्रे। इस बार ये गेंद देखिए, कवर ड्राइव, क्या जबरदस्त क्रैकिंग कवर ड्राइव, यहां पे बंदूक की गोली की तरह निकलती हुई गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, और ये चार रन स्वराज मात्रे। सम्माननीय बालाजी पाटिल जी यहां पे विराजमान हुए, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। रामनाथ जी भोईर जी इनके बेटे के वे ससुर है, लड़की के ससुर है, उनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका यहां पे सम्मान किया जा रहा है। ओवर में यहां पे देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने, बहुत ही उमदा खेल का प्रदर्शन, क्या बल्लेबाजी की है। पावर प्ले के ओवर में 18 रन यहां पे ठोक के निकाले, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या धूम मचा रहा है मैदान के बीच में। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन उनके द्वारा, लेकिन तन्वी साई 11 कोपर खेलने की टीम कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है, इनके पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी का क्रम है। लेकिन अगर यहां पे गोठुली 11 गोठुली के बल्लेबाज किसी तरीके से 60-65 रन मुकम्मल करने में सफल हो पाते तो बिल्कुल एक मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा यहां पे, जो तमाम क्रिकेट के श्रोता आज नवी मुंबई और काफी दूर दूर से आए हुए और लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हुए इन सभी को। तो कवलजीत सिंह को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, गोठेवली गांव के जितने भी भूमिपुत्र यहाँ पे आए हुए उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, पावर प्ले का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, कवलजीत सिंह रंधवा को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित मात्रे, हिट मैन इस नाम से अपनी पहचान बनाई है इस खिलाड़ी ने अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में। क्षेत्ररक्षण देखिए, बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर, क्या जबरदस्त ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण और एक लॉन्ग ऑफ। धन्यवाद से राउंड द विकेट नए और प्रारंभ करते हुए और गेंद को कवर रीजन में भेजा है, डीप कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, उसके पीछे दौड़ रहे क्षेत्ररक्षक, नहीं रुक पाएगी गेंद और ये चार रन। डीजे जेव्हा मी तुला सांगेन वाजव तेव्हा वाजवा, प्लीज जेव्हा मी सांगेन डीजे वाजवा तेव्हा वाजवा। तो इस तरीके से खूबसूरती के साथ यहां पे ड्राइव कर दिया था गेंद को रोहित मात्रे जी ने, देखिए पहले ही गेंद का सामना किया और दाया और बाया कॉम्बिनेशन जो आज भेजा है गोठेवली 11 गोठेवली के टीम मैनेजमेंट की तरफ से, ये बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। कवलजीत सिंह उनकी ये गेंद, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन की तरफ, उस ओर कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है, लगातार दो गेंदों पर दो चौके यहां पे ताने हैं आज रोहित मात्रे ने। बजाइए डीजे। कुल स्कोर है 26 रन, मंसूबे यही है गोठेवली 11 गोठेवली टीम के, अगर यहां पे उनको बल्लेबाजी मिली है तो ज्यादा से ज्यादा रन टांगने का कोशिश कर रहे हैं वो स्कोरबोर्ड के ऊपर। कवलजीत की ये गेंद, इस बार देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, डीप कवर बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद, ओवर पिच गेंद थी और देखिए किस तरीके से स्टाइलिश स्ट्रोक सजाया था यहां पे बल्लेबाज रोहित मात्रे ने।
जैसे ही बल्ले से लगी उसके ऊपर चार रनों की मोहर लग चुकी थी। लगातार तीन गेंदों में तीन चौके जड़े, कुल स्कोर है गोठेवली 11 गोठेवली का 30 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। आइए डीजे। सिंह अभी अभी पंजाब से दो तीन दिनों में यहाँ पे पधारे। इतना आसान नहीं होता क्रिकेट से दूर रहने के बाद, क्रिकेट में एकाएक आप जब मैदान में उतरते हो तब आपकी लाइन और लेंथ कहीं ना कहीं तो आप खो देते हो। यही नजारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है क्योंकि कंवलजीत सिंह रंधवा काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते आज महंगे साबित हो रहे हैं। इस बार रोहित को ये गेंद स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त खाते में गोठिवली 11 गोठिवली का कुल स्कोर है 31 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे दोनों भी बल्लेबाज। कंवलजीत सिंह तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे। इस बार ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे ऑन साइड में। देखिए किस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक सजाने का प्रयास किया था। फुटवर्क काफी अच्छा है अगर देखा जाए तो। रोहित मात्रे को मैंने कई अरसे से मैं इनको जानता हूं क्रिकेट खेलते हुए। देखिए किस तरीके से उन्होंने जब गेंद उनके बल्ले से छूटी थी पीछे की तरफ गई थी तब उन्होंने अपने आप से मन में पूछा था कि किस तरह से स्ट्रोक सजाने चाहिए था। अपना बायां कदम आगे खींच के गेंद को खेलना चाहते थे। बिंदी गेंद, कोई भी रन नहीं बना, स्कोर 32 के कुल योग पे अटका हुआ। इस बार ये गेंद पुल मारने का प्रयास और हवा में, देखिए एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे यहां पे। रोहित मात्रे खुद बे खुद मैदान के बाहर निकल के आ रहे। यही अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। और देखिए काफी अच्छे क्रिकेट अपने जीवन में खेला है रोहित मात्रे ने और इसीलिए इन्होंने एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की और इस तरीके से यह पहला झटका पहुंचा है गोठिवली 11 गोठिवली टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 32 रन एक विकेट के पतन के बाद। रोहित मात्रे ने अपने इस थैंक यू विचार सर थोड़ा सा थांबवतो तुम्हाला। नवी मुंबई शहर प्रमुख अपन पाहिलं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे, प्रवीणजी कालुमाराम मात्रे साहेब तसेच द्वारकानाथ भोईर साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालं। एकदा सर्वांच्या वतीने आपण जोरदार स्वागत करूया साहेबांचं। टेनिस बॉल क्रिकेट के आयोजन के शहंशाह आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। धर्मवीर चषक का आयोजन लगातार 22 वर्ष से जिस शिवसेना के शिलेदार ने किया है उनका नाम है प्रवीण कालूराम मात्रे जी और द्वारकानाथ भोईर जी माजी पार्षद है नवी मुंबई महानगर पालिका के। तसेच संदीप शर्मा साहब यांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करूयात। ओटो विचारे सर नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में प्रमोद चौधरी। ये गेंद वाइड, जिस तरीके से गेंदबाजी करते अनुशासन जो गेंदबाजी में दिखाई देता है कंवलजीत के, वो अनुशासन यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार तीन गेंदों पे तीन चौके जड़े थे रोहित मात्रे ने, पांच गेंदों में 12 रन की पारी खेली रोहित ने। इस बार गेंद आने दिया, हल्के हाथों से गेंद को वाइड डिश मिड ऑन रीजन में खेला, एक रन दौड़ के अर्जित किया। अपने अपने छोर बदले यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने, कुल स्कोर है 34 रन जबकि ओवर की समाप्ति हुई है, दो ओवरों की समाप्ति हुई है। गोठिवली 11 गोठिवली का कुल स्कोर है 34 रन एक विकेट के पतन के बाद। खेलते हुए तन्वी साई 11 कोपल खेलने जिसके मालिक है योगेश रानकर सर, आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी जो कि नवी मुंबई शहर प्रमुख है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के, उसी तरीके से द्वारकानाथ जी भोईर सर जिला प्रमुख है आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के, संदीप शर्मा जी बिल्कुल समर्थक है उद्धव ठाकरे साहब के। तो इन तीनों मेहमानों का यहाँ पे आगमन हुआ है। प्रवीण कालूराम मात्रे जब जब भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, धर्मवीर का जब से 25 तारीख के बाद मुकाबला समाप्त होने के बाद 26 तारीख से प्रयास करते हैं कि मैं अगले साल मेरे नवी मुंबई को, जो तमाम क्रिकेट के श्रोता है जो काफी बड़ी तादाद में धर्मवीर चषक का लुफ्त उठाने के लिए भूमिपुत्र मैदान कोपर खेलने में इकट्ठा होते हैं, उनके लिए मैं नया क्या दे सकता हूँ, यही कहीं 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 ना कहीं प्रवीण मात्रे जी के मन में चलते रहता है।
आदरणीय प्रवीण जी मात्रे जी, द्वारकानाथ जी, भोईर जी, संदीप शर्मा जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। खेल की तरफ रुख करते हैं, तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। अजय टाक और इस बार गेंद हवा में गई है, स्क्वेयर लेग के क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की और आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज प्रमोद चौधरी। आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट में, उन्होंने थोड़ा एक रन अपने टीम के लिए मुकम्मल किया। इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है, जबकि टीम का कुल स्कोर है गोठवली 11 गोठवली का 34 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। बजाइए डीजे। स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करूयात। तसेच आपण आलेल्या सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये, तिथे आपले हिंदीचे बुलंद आवाज, गेले अनेक वर्ष ज्यांचं समालोचन ऐकलं असे प्रदीपजी विचारे सर, ओवर टू विच। मयुरेश पाटील आए नए बल्लेबाज मैदान के बीच में। अजय टाक ने अपने तीसरे ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर एक सफलता प्राप्त की है। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद कदमों से लिपट गई, अपील हुई पगमाता की और एम्पायर की उंगली आसमान की तरफ। इस तरीके से दो गेंदों में दो सफलता यहाँ पे प्राप्त की है गेंदबाज अजय टाक ने और अपनी टीम को इस प्रतियोगिता में वापिस लाया है। क्या बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोठवली 11 गोठवली के बल्लेबाज, लेकिन 34 रन के कुल योग पे यहाँ पे तीसरा विकेट गवाया है गोठवली 11 गोठवली टीम ने। आइए डीजे। थैंक यू। अगर आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की अगर बात छेड़ी जाए, नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के आयोजन के शहंशाह है आदरणीय प्रवीण दादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले महिलाओं को अगर क्रिकेट के मैदान में एज ए एंकर अगर किसी ने उतारा होगा तो उनका नाम है प्रवीण कालूराम मात्रे। और ऐसी वैसी महिलाएं नहीं थी, वो रेडियो जॉकी थी। मेरे साथ कई वर्षों तक रेणुका और नेहा ने आरजे करके काम किया, उनको प्रवीण दादा ने अपने क्रिकेट प्रतियोगिता में आमंत्रित किया और कई वर्षों तक उन्होंने वहां पे जाके अपने रंग बिखेरे थे। क्या जबरदस्त आयोजक आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे हमारे बिल्कुल सामने की तरफ यहां पे विराजमान है। द्वारकानाथ भोईर जी उनके समवेत खेल का लुफ्त उठा रहे और ये हैट्रिक की गेंद, हवा में गेंद खड़ी हुई है और कैच यहां पे छूटा, बिल्कुल आसान सा कैच यहां पे छोड़ा हितेश के हाथ से, ये कैच छूटा और हैट्रिक लेते लेते यहाँ पे वंचित रह गए गेंदबाज अजय टाक। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कहर डाल रहे, धारदार गेंदबाजी कर रहे अजय टाक, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है और बिल्कुल बांध के रखा है उन्होंने गोठवली 11 गोठवली टीम को। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 35 रन। अजय टाक गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरे ओवर की चौथी गेंद, बाया हाथ के गेंदबाज है, बाया हाथ से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर ये और एक लॉन्ग ऑफ डीप पॉइंट का क्षेत्ररक्षक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन साइड में देखिए दायरे के अंदर एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को खेला है डीप कवर पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ, कवर से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक, जब तक गेंद को उठाते तब तक दौड़कर स्वराज मात्रे ने 2 रन अर्जित किए। ये स्वराज मात्रे जब तक विकेट के ऊपर टिके रहेंगे तब तक गोठवली 11 गोठवली की टीम इस प्रतियोगिता में रहेगी। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर गोठवली 11 गोठवली की टीम मुकम्मल करेगी। अजय टाक फिर एक बार अपने क्षेत्ररक्षण में कुछ तब्दीली कर रहे, लंबे ऊंचे काटी के ये युवा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर की ये 5वीं गेंद स्वराज मात्रे के लिए, उन्होंने ये गेंद की, बहुत अच्छी गेंद थी, वर्तमान पूरी तरह से चकमा खा गए थे, द्विधा मनस्थिति में थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वप्निल स्वराज मात्रे
हालांकि उन्होंने पहले मरतबा सोचा था कि गेंद को ड्राइव किया जाए, इन वक्त पे अपना इरादा बदला और गेंद बिल्कुल उनके बल्ले को फूंक मारती हुई चली गई। जिस तरीके से सांप फनकारता है उसी तरीके की गेंद इस बार देखिए, पहले से ही ऑफ स्टंप के बाहर आए थे शफल होके और क्या खूबसूरत पुल शॉट मारा यहाँ पे डी मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। और ये 6 रन बहुत ही उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज स्वराज मात्रे। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 43 रन गोठवली टीम का। इथे यथोचित सन्मान करण्यात येतो। अगदी पहिल्या दिवसांपासून आदरणीय द्वारकानाथजी भोईर साहेब जिल्हा प्रमुख आहेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे, त्यांचा येथे यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। मायेची उबदार शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना येथे प्रदान करण्यात येतोय। वैभव भोईर यांच्या वतीने या स्पर्धेचे प्रणेते आहेत वैभव भोईर, त्यांच्या वतीने आज सन्मान करण्यात येतोय। जोरदार टाळ्या ठोका मित्रांनो, फार फार धन्यवाद आदरणीय द्वारकानाथ भोईर साहेब जिल्हा प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, त्याचप्रमाणे नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटचे शहनशाह आयोजनाचे ज्यांना म्हटलं जातं ते प्रवीण काळूराम मात्रे, नवी मुंबई शहर प्रमुख आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे हे मातोश्रीचे शिलेदार, यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे केला जातोय। फार फार धन्यवाद आदरणीय प्रवीण काळूराम मात्रे। प्रवीण दादा, आपला अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण येथे उपस्थित राहिलात। त्याचप्रमाणे निलेश मात्रे साहेब जे शाखा प्रमुख आहेत त्यांचा देखील यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। कोपरखेरणेचे शाखा प्रमुख निलेश मात्रे, फार फार धन्यवाद दीपक पाटील दादा, धन्यवाद निलेश मात्रे। त्याचप्रमाणे संदीप शर्मा हे देखील येथे विराजमान आहेत, त्यांचा देखील मायेची उबदार शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ देऊन वैभव भोईर यांच्या वतीने सन्मान करण्यात येतोय। फार फार धन्यवाद आपणा सर्वांचं। महेंद्र पाटील हे देखील येथे उपस्थित आहेत, महेंद्र पाटील साहेब यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे करण्यात येतोय। धन्यवाद साहेब आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। मयूर मधुकर शेठ बारवे यांच्याकडून प्रथम क्रमांक या ट्रॉफीसाठी देण्यात आलाय, त्यांचा देखील येथे यथोचित सन्मान करण्यात येईल। फार फार धन्यवाद साहेब। प्रणित मात्रे आए नया ओवर प्रारंभ करने के लिए, 1 रन आया है पिछले गेंद के ऊपर, जबकि सत्कार समारंभ यहां पे हो रहा था। स्वराज मात्रे आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद विकेट के पीछे की तरफ गई, 1 रन की वृद्धि हुई। सानपाड़ा एक्सप्रेस प्रमोद पाटिल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। क्या क्रिकेट खेलते हैं ये प्रमोद पाटिल जी, बहुत ही उमदा गेंदबाजी बल्लेबाजी क्षेत्ररक्षण, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हमारे सानपाड़ा गांव के हमारे अजीत दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनका सम्मान यहां पे किया जा रहा है। गेंद हवा में, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है और कैच छूटा। सन्माननीय गणेश जी भोईर सर इनका यहां पे आगमन हुआ है, उनका भी यथोचित सम्मान यहां पे किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अनमोल समय देने के लिए। कुल स्कोर है 47 रन। स्वराज मात्रे को एक जीवन दान मिला है, मिड विकेट में उन्होंने गेंद को हवा में खेला था तब एक जीवन दान मिला है। स्वराज मात्रे क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है, नवी मुंबई में अगर आज के तारीख में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो मैं स्वराज मात्रे जी का निश्चित रूप से यहां पे प्रशंसा करना चाहूंगा। इस गेंद को हवा में खेला है, फिर एक बार ये कैच छूटा। मेरे को तो लग रहा है जैसे कि साबुन की टिकिया लगा के आज क्षेत्ररक्षण कर रहे तन्वी साई 11 कोपर खेलने के क्षेत्ररक्षक। लगातार दूसरा कैच छूटा इस ओवर में। संजय शेलार हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे अगदी मातोश्रीचे समर्थक आहेत, त्यांच्याकडून शेवटचा षटकार मारलेला
स्वराज मात्रे यांच्यासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. जोरदार टाळ्या ठोका मित्रांनो. खरोखर हे मातोश्रीचे शिलेदार आणि बघा किती प्रेम आहे क्रिकेटचं. स्वराज मात्रेवरती देखील त्यांचा फार प्रेम आहे. फार फार धन्यवाद साहेब. प्रणीत मात्रे इस बार ये गेंद गुडलैंड पे टपा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षन पाटिल है. पूरी तरह से चकमा खा गए हर्षन पाटिल और इस तरीके से स्कोर अभी भी 49 के कुल योग पे अटका हुआ. मैनेजमेंट अगर देखना चाहिए किसी क्रिकेट प्रतियोगिता का तो प्रवीण मात्रे सर से सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इस बार ये गेंद देखिए अब यहां पे क्या कहेंगे सतीश रावत. क्या कहेंगे, क्या साबुन की टिकिया सचमुच रगड़ के क्षेत्रक्षण कर रहे हैं आज कोपर खेरना के तन्वी साई 11 कोपर खेरने के क्षेत्रक्षक. लगातार 3 कैच इसी ओवर में छूटे हैं. रन में इजाफा हुआ है. 4 ओवरों की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है 53 रन गोठिवली 11 गोठिवली टीम का. कल 2 मैच में 13 कैच छूटे थे. मेरे साथी यहां पे स्कोरर मंदार पाटिल ये इत्तला यहां पे दे रहे. मेरे बगल में बैठे हुए बाबू शाह एक बहुत ही कॉमेडियन ये क्रिकेट कमेंटेटर है. बाबू शाह क्या लग रहा है आज बहुत सारे कैच यहां पे ड्रॉप हुए तन्वी साई 11 कोपर करने की तरफ से. नहीं निश्चित रूप से कैच बहुत सारा छूटा है. कहते ना पकड़ो कैच जीतो मैच है. और कोई बात नहीं, कहते ना गलतियों को भूल जाइए सबक को याद रखिए. और आने वाले 6 गेंद के ऊपर किस तरह से आपको रन बचाना है इसके ऊपर सोच आपको डालनी होगी. और ज़िंदगी में छोटी छोटी गलती होती रहती है. बहुत सारी चीज़ें रहती है जो गलती से आपको सीख मिलती है. कहते ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं मिलती है, ठोकर खाने से जितनी अकल मिलती है. तो देखते हैं यहाँ पर इस ओवर में अजय टक आए हैं. और देखिए ये टक की आवाज आई है. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्टैंड एंड डिलीवर. जैसे ही गेंद बल्ले से लगी वैसे ही स्वराज मात्रे के इस स्ट्रोक के ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी. वाह भाई वाह स्वराज मात्रे क्या बल्लेबाजी कर रहा है. स्वराज प्रहलाद मात्रे बिल्कुल कैर डाल रहा है मैदान के बीच में. अकेला ये सिपाही लड़ रहा है मैदान के बीच में गोठिवली 11 गोठिवली टीम की तरफ से. बहुत ही उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है यहां पे 59 के कुल योग पे. बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं स्वराज मात्रे. और 101 रुपए का पारितोषिक यहां पे प्रदान कर रहे हैं स्वराज मात्रे के लिए. उद्धव ठाकरे के समर्थक मातोश्री समर्थक आदरणीय संजय जी शेलार जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शेलार जी. आपका यहां पे 302 रुपए का इनाम आया है संजय जी शेलार जी की तरफ से. उद्धव ठाकरे गुट समर्थक. देखिए कितना प्यार है उद्धव ठाकरे के बारे में. और ये अखंड प्यार महाराष्ट्र में दिखाई देगा आने वाले समय में. इसमें कोई दोहराई नहीं है. इस बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया. गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया. पहले स्लिप में गई. और बाबू शाह अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है वो एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करते. देखिए यहाँ पे स्वराज मात्रे खड़े नहीं रहे. जैसे ही गेंद उनके बल्ले से कोने से लगी थी वे खुद बे खुद बाहर निकल के आ रहे. जोरदार तालियां बजाइए नवी मुंबई. अगर स्वराज मात्रे की बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो मेरी आप सभी से गुजारिश है क्या लाजवाब क्रिकेट खेल खेला है मैदान के बीच में. 14 गेंदों में 34 रनों की पारी जिसमें उन्होंने सिक्सर मारे हैं 3 और चौके सजाए 3. बाबू शाह क्या लग रहा है यहाँ पे इनकी स्वप्निल स्वराज मात्रे की बल्लेबाजी देखने के बाद. नहीं बिल्कुल विचारी सर. कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं होता है, कीमत हमेशा प्यास का होता है. और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है. स्वराज ने एक अच्छा इनिंग्स खेल कर आए देखिए. और हर खिलाड़ी देखिए यही चाहता है कि मुझे तालियां सुनने की आदत है भाई, गालियां सुनने की नहीं. कुछ कैचेज छोड़ा उसके बाद देखिए यहाँ पर सफलता हाथ मिली है. लेकिन अभी भी देखिए जो गेंद यहाँ से बची है इस ओवर की अंतिम अभी भी 3 गेंद शेष है. उड़ा सकती है ये 3 गेंद नींद क्योंकि टोटल देखिए बहुत आगे निकल चुके हैं. अजय टाक देखिए तीसरे ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए. 9 रन खर्च किए थे, 2 सफलता प्राप्त की. इस ओवर में देखिए पहले गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद बिंदी गेंद और उसके बाद विकेट यहाँ पे स्वराज मात्रे का उन्होंने चटकाया. इस बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर भेज दिया है बल्लेबाज है रुनाल नारायण मात्रे. क्या जबरदस्त खिलाड़ी, काफी अच्छे टच में चल रहे हैं ये खिलाड़ी. गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो क्षेत्रक्षण हो और इस तरीके से उन्होंने गोठिवली 11 गोठिवली के स्कोर को पहुंचाया है.
कुल स्कोर है 65 रन। फिर आए संजय शेलार जी, उद्धव ठाकरे समर्थक, मातोश्री समर्थक, 101 रुपए का इनाम यहां पे देंगे रुणाल नारायण मात्रे जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उद्धव भाला साहब ठाकरे बोल रहे कि साहब का नाम बार बार लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके जैसे जो लोग होते हैं इनकी वजह से क्रिकेट की गनीमा कभी भी कम नहीं होती। जेब में हाथ डालने वाले काफी कम लोग होते हैं और ये काम आप बखूबी यहां पे कर रहे हो। जब जब भी सत्कार होता है बाबू शाह, हम लोग क्रिकेट कमेंट्री बोलते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है तो हमारा रिदम टूट जाता है। और लाइव के ऊपर देखिए लोग क्या कमेंट्स करते हैं। अजय टाक, इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, देखते रह गए, वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर। इस तरीके से बिरजू भगत, क्या क्रिकेट खेली है बिरजू भगत ने इस गांव के टीम के लिए। बहुत ही उमदा बल्लेबाज थे, आरंभिक तौर पे आते थे, एक रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है गोठेवली 11 गोठेवली का 66 रन। इस बार फिर एक बार अजय टाक की ये गेंद, वाइड का इशारा कर रहे, टिप्पा खाने के बाद मिड स्टंप पे नेचुरल स्विंग मिलता है बाएं हाथ के गेंदबाज को। उस तरीके का काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, काफी अतिरिक्त जोर लगाने का प्रयास कर रहे गेंदबाज अजय टाक। आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी, नवी मुंबई शहर प्रमुख, उसी तरह से द्वारकानाथ भोईर जी, संदीप शर्मा, नीलेश मात्रे शाखा प्रमुख, ये सभी यहां पे विराजमान है। उन सभी का और मंच पे विराजमान सभी मेहमानों का फिर एक बार बालचंद्र स्मृति चषक 2024 झू गांव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इस पारी की अंतिम गेंद है, अजय टाक गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज रुणाल नारायण मात्रे। अब तक दो गेंदों का सामना किया है और 6 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे अजय टाक। इस पारी की अंतिम गेंद, इस बार इस गेंद को कवर ड्राइव किया है, डीप कवर के क्षेत्र शक जा रहे हैं आगे की तरफ। उन्होंने गेंद को हड़बड़ाहट के साथ रोका और उस दरमियान दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। पारी की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 69 रन, यानी कि 70 रनों का लक्ष्य रखा है तन्वी साई 11 कोपरकर ने टीम के सामने जीतने के लिए, गोठेवली 11 गोठेवली टीम ने। मैं यहां पे पारी समाप्त हुई है, मैं बात करना चाहूंगा आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी के साथ। प्रवीण दादा, द्वारकानाथ जी भोईर साहब इथे बसले, द्वारकानाथ जी भोईर साहब काय वाटत स्पर्धा बघून आपणास? फार मोठ्या संख्येने आज प्रेक्षक इथे आलेले आहेत, काय म्हणाल या स्पर्धेच्या बद्दल साहेब? हॅलो, या ठिकाणी भालचंद्र स्मृती चषक 2024 या चषकाचं आयोजन केलेलं आहे आणि वैभव भोईर आणि त्यांचे सर्व सहकारी अतिशय उत्साहाच्या आणि आनंदाच्या आणि खिलाडूवृत्तीच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा स्पर्धांचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। आत्ता नुकताच आम्ही क्रिकेटचा आनंद घेतोय आणि रात्रीचं थंड वातावरण आणि त्यामध्ये फटकेबाजी याचा मनसोक्त आनंद घ्यायला मिळतोय, त्यामुळे निश्चितच एक खिलाडू वृत्ती म्हणून आणि सर्व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी इथल्या जुगावच्या या ठिकाणी या मैदानामध्ये प्रेक्षकसुद्धा या ठिकाणी येत आहेत, त्यामुळे चांगलं खेळाडू वृत्तीचं वातावरण या ठिकाणी आहे आणि खेळाडूंनासुद्धा प्रोत्साहन मिळतं आणि म्हणून आनंद या ठिकाणी मिळतो आहे, एवढंच मी सांगतो आहे। आणि या स्पर्धांच्या अनुषंगातून सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतो आहे आणि वैभव होईल आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो की त्यांनी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा प्रकारची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। धन्यवाद, फार फार धन्यवाद आदरणीय द्वारकानाथ जी भोईर साहेब यांना आपण ऐकत होता, जिल्हा प्रमुख आहेत ते शिवसेनेचे। प्रवीण दादा, आपण टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे नवी मुंबईचे जर धर्मवीर चषक 22 वर्षापासून आयोजित करता, एक शहनशाह आहात, त्याच्यामध्ये कुठली शंका नाही आहे, मी प्रवीण दादांना देखील विचारू इच्छितो, काय वाटतंय प्रवीण दादा ही स्पर्धा पाहताना आपल्याला? निश्चितच आनंद वाटतो प्रदीपजी, कारण की यतीन म्हणा किंवा वैभव म्हणा, हे चांगले माझे दोघांचे दोघे मित्र आहेत आणि त्यांच्या स्पर्धेला मी नेहमी येत असतो। उत्कृष्ट आयोजन त्यांचं, खूप सुंदर आयोजन असतं, दरवर्षी आयोजनाचा दर्जा त्यांचा उंचावत चाललेला आहे
त्याप्रमाणे त्यांच्या ट्रॉफीची साईजही उंचावत चाललेली आहे. खूप चांगल्या ट्रॉफीज, खूप चांगलं नियोजन आणि प्रेक्षकांचा मुबलक उपस्थिती. कारण की आपण जे स्पर्धा करतो ते प्रेक्षकांसाठी करत असतो. पाहुणे काही आमच्यासारखे आले नसले तरी पण चालतं, पण प्रेक्षक आले म्हणजे स्पर्धा यशस्वी हा असा एक हिशोब असतो आपला की बाबा प्रेक्षक असले म्हणजे स्पर्धेला निश्चितपणे एक वेगळं रूप येतं. आणि इथे मुबलक प्रमाणात आपण प्रेक्षक बघतो आहे आणि तुमच्यासारखे यशस्वी आरजे आणि कॉमेंटेटर असल्यानंतर त्या स्पर्धेला चार चांद लागतात. त्यामुळं निश्चितपणे खूप चांगली स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचे अनेक पर्व आपल्याला बघायला मिळतील आणि प्रकाश झोतातील सामने बघताना खरोखर आनंद वाटतो. पण त्याबरोबर दुःखही होतं की संध्याकाळ रात्री 10 नंतर तो DJ वगैरे बंद होतो, त्यामुळे ती स्पर्धा थोडीशी मला असं वाटतं की थोडीशी लवकर सुरू करून 10 ते 11 पर्यंत संपवली तर खूप चांगलं होईल. कारण की खरोखर DJ शिवाय त्या स्पर्धेला मजा येत नाही. हे एक माझं सजेशन आहे, बाकी ज्यांनी घ्यायचं त्यांनी घ्यावं. पण खरोखर आयोजन निश्चितच सुंदर आहे आणि मी खूप शुभेच्छा देईन. आणि ह्या स्पर्धेची अशी अनेक पर्व आम्हाला तुम्हाला सर्वांना अनुभवायला मिळावी अशी मी प्रेक्षकांकडनं आणि माझ्याकडनंही विनंती करतो. फार फार धन्यवाद आदरणीय प्रवीण दादा यांना आपण ऐकत होतात. प्रवीण काळूराम म्हात्रे कोपरखेरणे गावचे भूमिपुत्र आणि धर्मवीर चषकाचे एक यशस्वी आयोजक. 22 वर्षापासून धर्मवीर चषकाचं आयोजन कोपरखेरणेच्या भूमिपुत्र मैदानामध्ये प्रवीण दादा यांच्याकडून केलं जातं. फार फार धन्यवाद प्रवीण दादा. बघा जू गाव वेटिंगवरती आहे, पुढच्या वर्षी बहुतेक हा संघ खेळताना दिसेल असं प्रवीण दादा म्हणत आहेत. बघूया काय होत आहे ते. आणि साऊंड सिस्टीम, खरोखरच साऊंड सिस्टीम ही सगळ्यात मोठी जमेची बाजू असते. अगदी तुमच्या घरी बारसं जरी असलं द्वारकानाथ भोईर साहेब आणि जर तिकडे साऊंड सिस्टीम चांगलं नसेल तर लोकांना वाटतं की काय चाललं आहे काय यांच्या घरी, 12 दिवस झाले तरी बारसा करत नाही आहेत. तशीच परिस्थिती क्रिकेट स्पर्धेची असते कुठल्याही. चलिए खेल की तरफ रुख करते. बाबू शाह मेरे साथ है तो अगले ओवर का विवरण करने के लिए मैं बाबू शाह इनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए बाबू शाह. तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दीपक सर, प्रदीप सर. निश्चित रूप से हमने देखे हमारे साहिब अतिथि ने बहुत अच्छी बात उन्होंने छेड़ी यहाँ पर, जहाँ पर देखिए खूबसूरत आयोजन नियोजन और उसके साथ देखिए समय पर मैच थोड़ा शुरू होना आने वाले वक्त के लिए निश्चित रूप से अच्छा मैसेज है. थोड़ा हम डे नाइट फॉर्मेट के जो अगर 4:30 बजे IPL भी हम देखते हैं ना 4 बजे शुरू होता है तो शायद कड़ी धूप नहीं रहती उस वक्त. और ट्रॉफी की बात उन्होंने जिक्र किया, खूबसूरत ट्रॉफी. हर टीम आते हैं, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए. और हमें यहाँ से बात करेंगे बालचंद्र स्मृति ट्रॉफी चाहिए. इस ट्रॉफी के लिए संघर्ष चल रहा है. और टारगेट की बात करें कि हमारा टारगेट है 70 रनों की टारगेट है. कितना आपने सीसा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. पहला गेंद देखिए इस नो चलते रहे यहाँ पर हम बाल बाल बचे. यहाँ से एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा अगर पहली दो ओवर में रन आता है तो. चलिए सेकेंड राउंड का इसके बाद मैच शुरू हो जाएगा. पहले दो टीम जीतने वाले के बीच में श्रीकृष्ण दिवा आणि रुद्र 11 महापे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की टॉस साठी या व्यासपीठावरती प्लीज सन्माननीय द्वारकानाथजी भोईर साहेब वो मैच को जीतेगा. इस बार भी देखिए ऑन साइड पर खेला गया है स्क्वायर लेग के रीजन पर लेकिन डिक्लेरेशन में देखिए एक रन आता हुआ. और इसलिए कि जितना अब सफल ना होगी जितना बैकफुट में लेग स्टंप में कहूंगा अब जो गार्ड लेते हैं खास करके द्वारकानाथ भोईर साहेब जरा ऐकून जा. एक मिनिट द्वारकानाथ भोईर साहेब जीच घर किया जाएगा. तुम्ही बसा इकडे समोर बसा, चलिए अपन कैलकुलेशन करू. बहुत बड़ा दिल है और ऐसा दिल हर किसी के पास नहीं होता है. पैसे तो बड़े बड़े बंडल भी रहते हैं कई लोगों के पास है. 10-10 सर रहते तो बताते कल बहुत है. इस बारे में उन्होंने जिक्र किए पनवेल चिपलेट नाइट में हम एक साथ थे, उनकी अंदाज कुछ अलग रहती है. लेकिन टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 13 रन तक है. अभी भी देखिए बहुत कुछ करना होगा दोनों बैटर को. जीवन दान मिला है गौरव को, देखते हैं इसका कितना फायदा लेते हैं. या गेंदबाजी की बात करेंगे गेंदबाज स्वराज म्हात्रे देखिए. और यहाँ से देखिए अंपायर ने क्या कुछ इशारा किए, नो बॉल कॉल करते हुए यहाँ से देखिए फ्री रहेगा यहाँ पर. कहते ना खिला हुआ फुल वापस खिलता नहीं है और बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है. हर गेंद पे आपको फ्री नहीं मिलता है, यहाँ पर एक अच्छा मौका है. लेकिन फिर भी देखिए स्वराज का तारीफ करना चाहूँगा भाई. कहते ना किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है और ये दुनिया भी गोल है और स्वराज का यहाँ पर डबल रोल है. बल्लेबाजी में भी अच्छा रन बनाकर आए
और चलिए फ्रीट का गेंद था लेकिन उस पर भी देखते हैं यहाँ पर चारों खाना चीत। चलिए डिक्लेयर से यहाँ पर एक रन आता हुआ यहाँ पर और कुल स्कोर देखिए यहाँ से 15 रन। चलिए गेंदबाज प्रेक्षक बात तैयार है, आगे निकले यहां पर कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल और हवा में देखिए गेंद तो फंस गया लेकिन चलिए यहां से वापस नो बॉल दिया गया। मुझे तो वही लगा कि फ्रीट का गेंद तो कंप्लीट हो चुका था, ये तालियां किस चीज की बज रही थी भाई। ओवर स्टेप देखिए यहां से फिर से एक बार बेचारे सर इसे क्या कहेंगे, इसे तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा कहां गहरों में दम था और शायद अपना पैर यहां पर स्वराज का लाइन से काफी बाहर था। चलिए अब ज्यादा समय मत लीजिए, अंपायर का डिसीजन आ चुका है, फ्रीट रहेगा और बल्लेबाज भी जीवित रहेगा। क्या बात है, कहते ना ऊपर वाला भी जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। चलिए नो बॉल यहां से रह गया, फिर से अगला गेंद फ्रीड रह गया। एक नो बॉल पर देखिए दो दो यहां पर मौका बन जाता है भाई, क्या नींद भी चुराएगा चैन भी चुराएगा और ये मैच क्या सपना दिखाएगा, क्योंकि अभी बात करेंगे ना यहां से अच्छा इतना स्थिति नहीं है लेकिन फ्रीड का गेंद है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला यहां पर। स्वराज की इसलिए मैंने तारीफ किया भाई, भलाई दो फ्रीड दिए लेकिन दोनों पर कोई बड़ा हिट नहीं दिया बेचारे सर। देखिए स्वराज की कदकाठी इतना ज्यादा नहीं है लेकिन क्या तेज गति का गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल कंधे का जोर लगाते हैं ये स्वराज मात्रे। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, एक रन के साथ कुल स्कोर है 18 रन। अब गेंदे बची है 18 और रन चाहिए जीतने के लिए तन्वी साई 11 कोपर खेलने टीम को 52 रन। बहुत देखिए बहुत रन आगे आपका रह गया है लेकिन कोई बात नहीं, फिर खुला रखिए। कहते ना डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। भलाई आपने शुरुआत दो ओवर में ज़्यादा कुछ रन जोड़े नहीं हैं लेकिन यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाज अपनी डाली अपने बल्लेबाजी को मजबूत करें और निकल गया चौके के लिए यहाँ से। और अंपायर कॉल देखिए नो बॉल, ओ हो चिंगो चिंगो, अब क्या लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। अब लैला के शादी में लगातार देखिए जो नो बॉल गिरते जा रहा है, फ्री हिट आता रहे, चौका आया और एक रन उसके साथ जुड़ा। समीकरण की बात करेंगे, 14 गेंद देखिए 45 की जरूरत है। बाबू शाह संजय शेलर इनकी तरफ से हर चौके के लिए 100 रुपए का पारितोषिक यहाँ पे रखा हुआ है, ये उद्धव ठाकरे समर्थक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मुझे पता नहीं ये कभी करोड़ भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से मैच है, अभी भी देखिए रंग में आता हुआ। अरे ये चलिए हेलीकॉप्टर उड़ाया है हवा में गेंद है लेकिन फ्री हिट का गेंद था भाई, इसे कहते हैं घर पे आई खुशी। फ्री हिट का गेंद आया है ना, एक भी बड़ा हिट नहीं आया है। 13 गेंद 44 की जरूरत है, अभी भी मुश्किल है हालत लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इस गेंद पर आता एक आध बड़ा हिट फिर से मैच ऑन हो जाएगा। ओ उड़ाया हवाई फायर, गिली गिली चंपा खुश रंबा, गेंद गया लंबा, ठुकम ठोक दीजिए। थैंक यू डीजे। चला आलेल्या पाहुण्यांचं येथे आपण सत्कार करूया। अतिथी देव भव सन्माननीय समीर पाटील साहेब तळवली गावचे भूमिपुत्र आहेत, त्यांचा येथे यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। सन्माननीय समीरजी पाटील साहेब यांचा येथे वैभव भोईर यांच्या वतीने या स्पर्धेचे प्रणेते यांच्याकडून हा सत्कार करण्यात येतोय। मायेचे उबदार शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ, फार फार धन्यवाद समीर पाटील साहेब आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। त्याचप्रमाणे सन्माननीय सूरज मात्रे साहेब घनसोलीचे भूमिपुत्र आहेत, सूरज जी मात्रे साहेब घनसोली गावचे भूमिपुत्र यांचा देखील येथे यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। कल्पेश गुमरे हे देखील घनसोली गावातून येथे आलेले आहेत, त्यांचा देखील येथे यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। वैभव भोईर यांच्याकडून आज सन्मान करण्यात येतोय, फार फार धन्यवाद साहेब। निलेश यादव जो कि तलोजा से यहाँ पे विराजमान हुए, उनका भी यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जा रहा है। वैभव जी भोईर जी इनकी तरफ से
बहुत बढ़िया। देखिए 12 गेंद 38 की जरूरत है, कहीं सम्मान यहाँ से चलता हुआ महाराष्ट्र के। देखिए देखो परंपरा जो है सिक्सर के लिए भी संजय शेलार जी उद्धव समर्थक इनकी तरफ से यहाँ पे चलिए उद्धव बाला साहेब ठाकरे। फिर से देखिए पर हवा में गेंद है और फील्डर से दूर, देखते हैं क्या यहाँ पर फ्लाइटेड चरण जैसे बंदूक से निकलती है गोली। और ये चलिए जड़ में गेंद को रखते हुए और डिक्लेयर जो से रन आता हुआ इससे ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। अब 8 गेंद रहेगा जीत के लिए, 29 की जरूरत है। लेकिन 8-28 को वो समीकरण भूल सकता है जो T20 2022 में खेला गया था हरीश रॉव के ऊपर जो मचाया था विराट कोहली ने खौफ। 8-28 की समीकरण थी और यहाँ देखिए 8-29 की समीकरण है, लगभग देखिए करीब है। लेकिन वहाँ 2 छक्का आया था अंतिम 2 गेंद में, क्या यहाँ पर बैटर लेकर आएंगे। हाँ ये चलिए भाई खराब फील्डिंग, हल्की सी चूक हुई है लेकिन 1 रन आता है वहाँ। भिगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं और सिंगल डबल से काम चलेगी नहीं। बाबू शाह अगर मैदान की बात की जाए तो 360 मैदान में इस तरीके का स्कोर बनता है, मैंने 6 गेंदों में 36 रन होते हुए भी देखा है 360 मैदान में। लेकिन ये मैदान देखिए डिक्लेयर जोन है यहाँ पे, इसलिए ये रन जो है ये बनाना यहाँ पे मुश्किल काम नजर आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। कवलजीत सिंह रंधवा ने इस गेंद को मिडविकेट रीजन में खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे और यहाँ पे 2 रन आसानी से उन्होंने मुकम्मल किए। अब आलम यह है गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 26, 6 गेंदे और 26 रन। कहा जाता है ना बाबू शाह कि जब तक क्रिकेट में अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक अटकलें लगाना कुछ भी कहना बड़ा ही मूर्खता की बात होती है। तो देखते हैं 6 गेंदे और 26 रन चाहिए तन्वी साई 11 कोपर खेलने टीम को जो कि योगेश रानकर जी की टीम है। हाँ बेचारे सर, देखिए 6 गेंद 26 की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा अभी शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर है। अगर 2 गेंद पर पहला 2 बड़ा हिट आ गया मैच में कुछ भी हो सकता है। जीत हमेशा आपको दिखाई देता है लेकिन हार कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए तो कहा जाता है हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। दीवार टीम देखिए इस मैच का आनंद ले रही है एकदम करीब से और वो भी टॉस जीतकर बल्लेबाजी लिए हैं, शुरुआत से दीवार खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर चेसिंग थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ मुश्किल हो रहा है। एक बार टीम का टोटल 50 के ऊपर पहुँचा 5 ओवर में, आने वाला मैच देखिए 4 ओवर रहेगा, 40+ तक तो पहुँचना हर टीम चाहेंगे लेकिन अब 6 गेंद 26 की जरूरत है। संजय शेलार यहाँ पे इत्तला दे रहे, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के समर्थक है, हर विकेट के लिए उनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम यहाँ पे प्रदान किया जाएगा गोठिवली 11 गोठिवली के गेंदबाजों को, खास करके रोहित मात्रे अब आए गेंदबाजी करने के लिए। चलिए अब 6 गेंद 26 की जरूरत है। जितेंद्र मात्रे दादा इथे आले त्यांनी एक मोबाईल दिलेला आहे इथे, बघा आपली ओळख पटवून घेऊन जा इथे, हा मोबाईल आणून जमा केला बघा आपापल्या खिशात हात घालून आपला मोबाईल आहे का, वैभव भोईर जवळ हा मोबाईल आहे, बघा तुम्ही पासवर्ड उघडा आणि तुमचा मोबाईल घेऊन जा। जितेंद्र मात्रे दादा फार फार धन्यवाद। और ये चलिए भाई बड़ा हिट खेलने गए थे, चाल में फंस गए,
कहते ना मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और बैटर का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। लम ये है, गेंदे बची है चार और रन चाहिए जीतने के लिए 26, चार गेंदे और 26 रन चाहिए तन्वी साई 11 को ऊपर करने टीम को। फिर एक बार यहाँ पे संजय शेलार, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के ये समर्थक है, इन्होंने यहाँ पे 100 रुपये का इनाम जो रखा था वो मैच समाप्त होने के बाद यहाँ पे प्रदान किया जाएगा रोहित बात्रे जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं बहुत बढ़िया, देखिए हौसला बढ़ाने के काम करते हुए, लेकिन जो उम्मीद था थोड़ा सा वो टूटता हुआ। गौरव का विकेट गिनने के साथ साथ है, अब देखिए चार गेंद 26 नंबर तो ढूंढ नहीं सकते हो, उसमें कहीं एक्स्ट्रा गेंदें डालना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए औपचारिकता कहेंगे मैच में अब चलता हुआ। और निश्चित रूप से थोड़ा सा कहेंगे गौरव मैदान पर थे और उसके साथ कवलजीत भी मैदान पर थे, लेकिन फिर भी देखिए गेंदबाजों ने क्या नियंत्रण गेंदबाजी की, एकदम से बांध कर रखे, कोई मौका नहीं दिए बड़ा हिट खेलने का ज़्यादातर, और जिसके कारण ना यहाँ पर इस टारगेट तक पहुँच नहीं सके। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, अब देखिए यहाँ पर डिक्लेयर से रन आता हुआ, शायद पहले वाइड से देखिए यहाँ पर रन आता हुआ और डिक्लेयर से 2 रन, लेकिन इस 2 रन से खुश नहीं रहेंगे बेचारे सर, जैसे कितना शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आया सोचे शादी से खुश नहीं, तो यहाँ पर इस एक्स्ट्रा रनों से भी खुश नहीं, क्योंकि जीत के करीब नहीं है हार के करीब है, क्योंकि अगर जीत के करीब होते तो फिर इस एक्स्ट्रा रनों से भी उतना खुश रहते। अभी समीकरण की बात कर लेंगे, 3 गेंद 24 की जरूरत है, 8-8 की रन, देखिए यहाँ से बैटर हम बड़े इत्मीनान से ले रहे हैं, जानते हैं बहुत दूर रह गए यहाँ से, और इसके बाद देखिए सेकंड स्टेज का मैच शुरू हो जाएगा, जहाँ पर सपना होगा भाई कि उस मैच को जीता जाए, रंतिम मैच की तरफ पहुँचा जाए, जहाँ पर ट्रॉफी देखिए चमकता हुआ ट्रॉफी, हर टीम चाहेंगे भाई, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, और हमें यहाँ से बालचंद्र स्मृति ट्रॉफी चाहिए। अब देखिए भाई बड़ा ही डे खेलने गए हैं, लेकिन कैच का कोशिश किया गया, अगर कैच ना भी लें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कवल जीत देखिए बात करेंगे, कवल जीत लेकिन काम नहीं कर सके फिट, पहले दागे थे चौका, लेकिन उसके बाद देखिए शांत रह गए, 2 चौका आने के बाद उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा, 1 छक्का आया उसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं आया, और इसलिए तो कहा जाता है ना मारने वाले से बचाने वाले को बड़ा। और आजकल देखिए क्रिकेट में जो हम देखते हैं ना चेसिंग बड़ा कठिन बन गया है बेचारे सर, जिसका कारण क्या है मैं एक आपको बताता हूँ, पहले टॉस जीतते थे, पहले ज़्यादातर देखिए फील्डिंग चुनते थे, आजकल बल्लेबाजी भी लिया जा रहा है, आजकल क्या होता है बैटर को उतना अभ्यास नहीं मिल पा रहा है, जॉब नौकरी धंधा, और जो गेंदबाज अगर वीकली में एक बार भी मैदान में आता है ना उसको अभ्यास प्रैक्टिस मिल जाता है, लेकिन बैटर को हर दिन आना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटा पसीना बहाना पड़ता है, शायद यहाँ पर मैं कहूँगा प्रैक्टिस की अभाव, और जिसके कारण देखिए हर गेंदकीपर बड़ा हिट लगाना बहुत कठिन बनते जा रहा है। तो 22 रनों से ये मुकाबला यहाँ पे गोटिवली 11 गोटिवली टीम ने जीता है, मैं उनके सभी खिलाड़ियों का यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूँगा। बैड लक तन्वी साई 11 को